पहली गेंद चेतन कालंगे, ये चेस मास्टर ने छक्के से किया है स्वागत, 6 रन। शुक्रिया डीजे। फिलहाल अगर देखेंगे पहले गेंद, जब पहले इनकी शुरुआत हुई थी चौके के साथ में, अब छक्के के साथ में। एक और मतवा सामने है और 6-7 में पॉइंट और कवर के बीच में से गेम जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अच्छा एफर्ट नजर आ रहा है। अज्जू बेपारी यह बहुत ही तेज खिलाड़ी है, उम्दा खिलाड़ी है, रोका यहाँ पर गेंद को और 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए, 2 गेंदों में 8 रन। आप देख रहे हैं एक तरफ पप्पू तोड़कर यूनिक स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर और दूसरी तरफ बात करेंगे वासिक से, कि दोनों आइकॉन मिड ऑन और मिड ऑफ के क्षेत्र में। फिर से एक बार ये काफी शफल है, छोटा मैदान है, पिक किया चेतन कालंगे, कैप्टन कूल है, दहाड़े हैं 4 रन। सबर कीजिए डीजे मास्टर, सबर कीजिए, सबर का फल हमेशा हमने सुना है मीठा है, लेकिन आप का कड़वा क्यों नजर आ रहा है। चलिए फिर से एक बार, बहुत अच्छी पिटाई कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज मार पे, वापसी करने की कोशिश करेंगे लेकिन शायद यहाँ पर भाग्यशाली है। छोटा मैदान है, वैसे देखिए पीछे स्क्वेयर लेग और फाइन लेग अगर देखेंगे, थर्ड मैन जो है ये थोड़ा सा मैदान छोटा है, तो उसी को पिक कर रहे हैं चेतन कालंगे। दरम्यान जे कहत अमोल भाऊ पिंपळे आणि संतोष भाऊ वाबळे यांचं देखील, संतोष होले यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत आहे षटकाराच्या सहाय्याने, 6 रन। जना जनाब रुकिए तो सही है, यहाँ पर माइकल जैक्सन आ चुके हैं, ये शायद माइकल जैक्सन तो दुनिया को अलविदा इन्होंने कह दिया है, लेकिन जनाब इनके शरीर के अंदर घुसे हैं, ये मालेगांव के माइकल जैक्सन है। फिर से एक बार महंगे और किस लीजिए, एक और मतबाजी करीब शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार शायद डॉट गेंद के साथ में ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, बोर्ड के ऊपर रन है 18, इसका मतलब है इनकी गाड़ी बराबर चल रही है और ओवर की समाप्ति। और चलते फिर से बार डीजे मास्टर, वासिक से एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सामने रामा सोले, ये बहुत ही तेज खिलाड़ी है, लेकिन इस बार लेगबाज के रूप में शायद यहां पर क्या बल्ले के साथ में जी नहीं है, लेगबाज के साथ में खाता खुलता हुआ, अपना खाता खोलते हुए रामा सोले। अब देखने वाला मुकाबला है, जिस तरह से वासिक शेख को फंसाया था चेतन कालंगे, पहले ही गेंद पे फंसाया था, लेकिन अब देखने वाली बात है क्या यहाँ पर वासिक अपना बदला लेंगे। चेतन कालंगे की बात करेंगे, कैप्टन कूल नाम से जाने जाते हैं, बारामती टेनिस क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा नाम है, यंगस्ट टीम के कप्तान रह चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे तो एज ए आईकॉन पिछले सीजन से ये सबसे टॉप है। और ये इस बार देखिए, ये जानते हैं वासिक शेख के खिलाफ किस तरह से खेलना है। फिलहाल अगर देखे तो रन फिर से एक बार सिंगल आता हुआ, जब तक चेतन कालंगे बल्लेबाजी मार पे रहेंगे तब तक मालेगांव कारखाने की उम्मीदें बरकरार रहेंगे। मैंने बहुत मैचेस देखे हैं और बहुत मुकाबले देखे हैं कैप्टन कूल के, कि ये मुकाबला छोड़ते नहीं है आसान के साथ में, हमेशा मुकाबले को बना के रखने का काम करते हैं, लेकिन अब शायद कसौटी है वासिक शेख की, कि ऐसे कैप्टन कूल को किस तरह से रोका जाए। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, फिर से बार रामा सोले तैयार होते हुए, एक और मतबा यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेंद है,
पल्ले का बस किनारा जी लगा नहीं है ऐसा लगा लगा, लेकिन लेगबाज के रूप से सिंगल आते हुए अब तक तीन गेंदों में आए हैं तीन सिंगल, तो सिंगल लेना भी चाहिए। 21 रन लगे बोर्ड के ऊपर। वैसे सचिन सर, सिंगल क्रिकेट के मैदान के लाइफ लाइन है, आपकी लाइफ लाइन अगर बढ़ानी है तो सिंगल पे निर्भर रहिए कैप्टन कुल। और इस बार देखिए ये अजीब गरीब शॉट खेलना चाहते हैं। अब देखिए सिंगल डबल खेलते रहिए, छोका छक्का तो आता रहेगा, उसकी उम्मीद आप हर ओवर में बड़ा बनाने के लिए यही काफी है कि पहले सिंगल डबल रहे, एक आधा खराब गेंद आए उसके ऊपर चौका छक्का लगाए, फिर देखिए बड़ा आसानी के साथ में वो ओवर बड़ा बना सकते हैं। 21 रन चार गेंद में अब तक तीन रन खर्च किए वासिक से। ऊंचे गत के खिलाड़ी है, उसी के साथ में अपील होती हुई, लेकिन आत्मविश्वास ज्यादा है कि विश्वास की कमी नजर आएगी। शायद अब मुश्किल है क्योंकि अपील तो जरूर की है, तो अंपायर की तरफ गए हैं जहां पर चेतन बारवकर जीत क्रमी तीता अमी, चेतन बारवकर दोस्ती ग्रुप के बहुत ही दिलदार दोस्त है और इनको एक अहम रोल दिया है। शायद अब मुश्किल है क्या, किस तरह से यहां पर चेतन कालगे की विकेट, बहुत बड़ी विकेट है अब तक ये मैच के अंदर, ये टर्निंग पॉइंट की विकेट है। शायद अगर देखेंगे तो अब तक चार गेंदे डाल चुके हैं, बहुत ही यहाँ पर क्या कुछ हुआ है मैदान में, देखें तो पिन ड्रॉप साइलेंस है, मालेगांव का डगआउट भी थोड़ा सा साइलेंस है, इसकी वजह ये धक 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 बढ़ रही है। शायद किसी को उचकी लग जाए और माधुरी दीक्षित उनको याद किए, ये होता जाएगा। फिलहाल प्रमोद भाव जगताप इस टूर्नामेंट को चार चांद इन्होंने लगाया, इनकी ट्रॉफी सौजन इनके माध्यम से, और बहुत ही जबरदस्त ये खिलाड़ी है। फिलहाल अगर देखेंगे यहाँ पर पंसा सर ने अंतिम सेल विनंती रहेगी, आप थोड़ा सा शुरुआत कीजिए मुकाबला, क्योंकि देखिए जो भी है आप ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर भरोसा रहेगा। फिलहाल देखिए प्रमोद काका जगताप हमेशा याद करेंगे, ग्रामीण प्रीमियर लीग ऐसी ट्रॉफी अब तक देखी नहीं है, इतनी बड़ी ट्रॉफी सचिन साड़वे हैं उनके घर गई है, वो मेरठ के टीम में से कप्तान थे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दो आए हैं एक दूसरे के साथ में, और स्पॉन्सरशिप भी बड़ी टूर्नामेंट की ट्रॉफी। लेकिन फिलहाल देखिए कुछ मैदान की तरफ चलिए, देखिए एक जगह पे आप मत जाइए, अगर कुछ है तो उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन कप्तान साहब जा सकते हैं। अगर पूरी टीम एक जगह पे जाएंगी तो पूरी टीम को पेनल्टी लग सकती है। थोड़ा सा देखिए आप, थोड़ा सा संयम बरकरार रखिए। चलते फिर से एक बार जहां पर, अगर देखिए चमचमाते ट्रॉफी दी है जिन्होंने दिए हैं वो प्रमोद काका जगताप, बहुत ही जबरदस्त दरिया दिल इंसान मंच पे उपस्थित है, और आज के दिन की छह गर्ल्स जिन्होंने जिनके सौजन्य से दिए हैं वो अक्षय भैया कदम, और यूट्यूब का अगर देखिए जो कि पांच दिन लगातार ये शुभम जी साड़वे दत्तात्रेय जादवर इनके माध्यम से, और अगर देखिए किट स्पॉन्सर की भी बात होती है तो सुधीर भाव गावड़े, शुभम तावरे, दादा साहेब दांगड़े पाटिल, आकाश नाड़े, रमेश भाव वाबड़े, अभिजीत तिलम वाबड़े, अमोल काका प्रभु ने टॉस विनर लाइव इनके माध्यम से भी किट स्पॉन्सरशिप है। और दूसरी बात यह है कि आप 16 टीम दूसरी जो बाकी थी उसको आयोजक कमेटी दोस्ती ग्रुप इनके माध्यम से ये टी शर्ट स्पॉन्स किया है। पानी सौजन्य की अगर बात करेंगे तो हिंदवी वाटर सप्लायर्स इनके माध्यम से। फिलहाल देखिए अंपायर जा रहे हैं, वक्त जरूर ले रहे हैं क्योंकि देखिए किसी पे अन्याय ना हो, बहुत बड़ी टूर्नामेंट है पश्चिम महाराष्ट्र की गांव वाइज की सबसे बड़ी टूर्नामेंट, 1,11,111 रुपए वाली टूर्नामेंट है, तो इस टूर्नामेंट में किसी के ऊपर अन्याय ना हो। फिलहाल देखेंगे चलते कुछ समय के लिए, मैदान में खेल रुका है लेकिन चलते हैं जहां पर डीजे मास्टर बशीर साउंड सिस्टम तैयार है।
चला पंचाच निर्णय अंतिम असेल, विनंती असेल चला चला पंचाच निर्णय अंतिम असेल। गेंदे हो चुकी है, सबर कीजिए, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन वासिक ने कमबैक करने का मौका दिया है टीम को, अब तक देखिए 3 रन दिए हैं और 2 डॉट गेंदे। बेहतर ये खिलाड़ी है और शायद अब चेतन कालंगे तैयार रहेंगे। 21 रन लगे बोर्ड के ऊपर, फिर से एक बार वासिक बनाम चेतन कालंगे। फुल टॉस गेंद बैक टू बॉलर खेले मिड ऑन के क्षेत्र में, अगर देखें तो पप्पू तोड़कर 3 लगातार गेंदे 3 पे आए, 3 सिंगल उसके साथ में, 3 गेंदों पे आ गए 3 डॉट गेंद। 21 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 12 गेंदों में 21 आए हैं। अभी भी अगर देखेंगे तो ये मुकाबला 62 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, मुकाबला जीतने के लिए 62 रन चाहिए, आसान होने वाला नहीं है। अभी भी चाहिए रन, 41 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 18 गेंदों में 41 रन चाहिए। अगर यहां से बात करेंगे तो ये बेहतर आयोजन आप देख रहे हैं, जिसके अंदर मंच पे जो विराजमान है एक बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन करता भी है, इनकी अच्छी सोच है। जिस तरह से पलटन तालुका, बारामती तालुका, जिस 2 तालुकों के ग्रामीण प्रीमियर लीग लिए, उस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी टूर्नामेंट की ट्रॉफी रहे सांडा चौकड़ी चाहे करामती, इनके माध्यम से 71,000 रुपये दिए गए हर चौके के लिए इनाम, हर छक्के के लिए, हर विकेट के लिए, अंपायर के लिए, कॉमेंटेटर के लिए भी इनाम दिए गए। लेकिन इस टूर्नामेंट में भी, ये भी बड़ी टूर्नामेंट है, आज के दिन में हर चौके के लिए इनाम है, हर छक्के के लिए इनाम है, हर विकेट के लिए इनाम है आज के दिन भी। अगर देखेंगे प्रमोद काका जगताप यहाँ पर जुड़े हैं, ये कह रहे हैं जो ग्रामीण प्रीमियर लीग था वो तो झाकी था, अभी पिक्चर बाकी है, अगले साल उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर रहेगी और वो टूर्नामेंट 15 में हो सकते हैं। एक और मतबा रन लेना चाहते रामा सोले, लेकिन गेंदबाजी में अगर देखेंगे तो फिलहाल देखिए फिलहाल आए हैं सागर, सागर आए हैं और सागर के छा जाएंगे रामा सोले। ये बहुत ही खिलाड़ी है, प्रतिभावंत खिलाड़ी है, मैदान अपना बनाने की ताकत इनके अंदर भी है, लेकिन सामने है सागर। सागर के खिलाफ ये शॉट कड़क है, 1 बॉल चौका। डीजे शुक्रिया। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक तेरी एक मेरी वाली कहानी, रामा सोले ऐसे मुकाबले बुनाना जानते हैं। एक और मतलब बल्ले का हिस्सा, लेकिन आकीब वहां पर मौजूद है जनाब, आकीब बहुत ही शार्प है। फिलहाल अगर देखेंगे तो ये जबरदस्त मैच चल रहा है, लेकिन आप तो रामा सोले एक तरफ पिंच हिटर है, दूसरी तरफ कैप्टन कूल जो कि मैदान का रुख बदलने वाले खिलाड़ी आपके नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं। क्या ये बहुत शायद यहाँ पर देर गेंद आती हुई, क्योंकि होने वाली बात है कि 3 गेंदे हो अब तक हो चुकी है। स्कोर की तरफ देखें तो 25 रन लगे बोर्ड के ऊपर। यहां से देखिए एक चौका आया, सिंगल लीजिए, नॉन स्ट्राइक पे जाइए, नॉन स्ट्राइक खिलाड़ी है उनको ऊपर लीजिए, कि इस तरह से प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इतना वक्त किसके पास है। एक और मरतबा रामा सोले गलती कर रहे हैं, 4 गेंदे अब तक खेल चुके हैं, 1 चौका आया है, वापसी गए है सागर ने, वो गलती कर रहे हैं। आपके बेस्ट खिलाड़ी आपके साथ में हो तो फिर देखिए उसको ज्यादा स्ट्राइक दीजिए, हाँ अगर आपका बेस्ट खिलाड़ी डगआउट में है तो फिर जनाब कपड़े तो आपको उतारना है, कुश्ती आपको करना है, पहलवान आप है तो आप ही खेलिए। लेकिन एक बार तो बहुत बड़ा, वैसे हमारे पहलवान साहब भी आप बैठे हैं, प्रमोद काका जगताप। एक और मरतबा स्लॉट में गेंद है, लेकिन वासिक से डाउन दी बॉल, 5 गेंदों खेल के 1 चौका लगाया और बहुत बड़ी विकेट टीम को प्राप्त कराते हुए सागर।
फिलहाल देखेंगे डीजे कौन किसको वाट लगाएगा, कौन किसको बाहर भेजेगा इस टूर्नामेंट में। ये वही तो मुकाबला है। सागर बेहतर गेंदबाजी की है, सापिक शेख आए हैं और इन्होंने पहली गेंद पे किया चेक, गेंद को भेजा 6 रन। शुक्रिया डीजे भाई, ये झिंगाट ने तो पूरे महाराष्ट्र को वो लेवल पे ले गए थे। लेकिन फिलहाल देखिए 31 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अभी भी रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 31। मारेगांव कारखाना अभी भी 12 गेंदे शेष है, 31 रन चाहिए मुकाबला। ये भी गर्म हो रहा है और जिस तरह से कहते हैं जरा प्रेशर कुकर की जिस तरह से सिट्टी बजती है उसी तरह से सिट्टी बजने शुरू हो चुकी है। ये क्रुशियल ओवर जिस तरह से वासिक शेख ने पहला ओवर डाला, उम्मीद रहेगी टीम को कि उस तरह से फिर से एक बार आ जाए। लेकिन अब देखना है करे तो क्या करेंगे। एक तरफ कैप्टन कुल चेतन कालेंगे, शफीक शेख ने तो आते ही अपने मंसूबे स्पष्ट किए हैं कि मैं आइकॉन क्यों आया हूं यहां पर, क्योंकि ये भी अगर देखिए तो यूनिक स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर है बिग वन की तरफ से, ये कड़क खिलाड़ी है। फिलहाल अगर देखेंगे तो चेतन कालेंगे, ये दोनों के बीच में एक काफी कड़ा संघर्ष है। 12 गेंदे 31 रन वासिक बनाम चेतन कालेंगे। ये स्कूप करना चाहते थे और सफलता भी मिली है, पहली गेंद पे आ गया है चौका डीजे। फिलहाल देखिए 31 रनों का लक्ष्य है 12 गेंदों में, पहली गेंद पे आ गया है चौका कैप्टन कुल चेतन कालेंगे। उम्मीद है 27 चाहिए अब 11 गेंदों में, 27 12 पे 31 की जरूरत थी, पहले गेंद पे चौका आया है। ये सबसे चेस मास्टर क्यों है इसकी वजह देख लीजिए। एक और मतवा मंच को सलामी दी है, स्लॉट में गेंद डिपॉजिट की स्टैंड में 6 रन। फिलहाल अगर देख लीजिए 2 गेंदों में पिछला ओवर 3 रनों का आया, लेकिन ये ओवर देख लीजिए, ये फिर से एक बार अजीब कर शॉट खेलना चाहते हैं लेकिन इस बार टाइम कर नहीं पाए, फंबल हुए। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन लेंगे नहीं है क्योंकि 3 पे आए हैं 11। 12 गेंदों में 31 की जरूरत थी, 3 गेंदों में आए हैं 11, 1 छक्का 1 चौका और सिंगल, तो 11 आए हैं। अभी भी रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, गेंदे बाकी है 9 और रन चाहिए अभी भी 20। 9 गेंदे 20 रन, काफी कड़क मुकाबला, नाखून चबाने वाला मुकाबला है। पिछला मुकाबला जिस तरह से हाई वोल्टेज गुजरा, ये भी मुकाबला उससे बेहतर है क्योंकि देखेंगे तो दिलदार लोगों ने आयोजन किए, दोस्ती ग्रुप आयोजित टूर्नामेंट मुड़ा है। साइम बचवाड़ी प्रीमियर लीग आज 5वां दिन दूसरा मुकाबला मैदान में चल रहा है। एक तरफ 220 विनायक राव उंडे की टीम बेल्ले की टीम है और दूसरी तरफ टीम मालेगांव कारखाना। 9 गेंदे 20 रन, इस बार फिर से एक बार स्वीप आड़ा बल्ला, हालांकि काउकर रीजन में खिलाड़ी मौजूद है, रन मिला सिंगल, दूसरा रन चाहते हैं लेना लेकिन शायद यहां पर अकीब व्यापारी बिल्कुल वहां पर है, लेकिन सिंगल आया। 9 पे 20 की जरूरत थी, 8 पे चाहिए 19, 8 गेंदे 19 रन। ये 2 गेंदे काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये 2 गेंदों पे बहुत ही जबरदस्त क्या कुछ हो सकता है। अब तक इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, चेसिंग आसान नहीं है, क्या यहां पर आसान बनाएंगे। टॉस इन्होंने भी जीता था और फील्ड का फैसला किया है मालेगांव कारखाने ने, और अब क्या होगा। लेकिन
चेस मास्टर कैप्टन कुल चेतन कारेंगे, 8 गेंदे 19 रन। इस बार देखिए आजमगढ़ शॉट खेलना चाहते थे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेग बायस के रूप से रन मिलेगा, सिंगल 7 गेंदे 18 रन, 7 गेंदे 18 रन, मुकाबला बदल रहा है। पहले 2 गेंदों में आ गए थे 10 रन, उसके बाद में देखें तो वापसी की है वासिक शेख ने। वापसी करना इनकी आदत है और ये बहुत ही प्रतिभावंत खिलाड़ी है। मुकाबला फिर से बदल रहा है, मुकाबला बदलते वक्त नहीं लगती, यहाँ पर हारा वो है जो कि लड़ा नहीं है, आपको लड़ना चाहिए। यहां से देखिए 7 गेंदे 7 किसका देगी, उसी का मैच होगा, वही आगे खेलेगा, वरना इस कमाल के टूर्नामेंट को चौथे पे गुड बाय टाटा। शफीक शेख 1 गेंद खेल चुके, एक तरफ बिग वन का स्टार खिलाड़ी शफीक शेख, दूसरी तरफ पुणे का बेहतर गेंदबाज वासिक शेख, दो शेख कौन करेगा किसको चेक, और मैं तीसरा सलीम शेख, हम तीनों शेख एक जगह पे बैठे थे, लेकिन फिलहाल यहां पर दूसरा रन यहां पर लेंगे। 7 गेंदों पे अगर देखेंगे तो इस 7वें गेंद पे आ गए हैं दुख का, इसका मतलब है स्कोर की तरफ जाएंगे तो लगे हैं बोर्ड के ऊपर 46 रन, तो इसका मतलब अभी भी मुकाबला जीतने के लिए गेंदे बाकी हैं 6 और रन चाहिए अभी भी 16 चाहिए। बहुत तेज है हमारे सचिन साळवे, इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। अरे इनके तरफ देखता है ना मैं, तब भी उसके पहले बोलते हैं, मुढ़ाले की जान है ये, शायद देखिए सीए क्यों नहीं बना तू, सवाल है क्या सचिन साळवे को सीए बनना चाहिए था, क्योंकि वो ऐड आ रही ना, अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो क्या होता, तो सचिन साळवे कहेंगे मैं क्रिकेटर ही अच्छा हूं। फिलहाल 6 गेंदे शेष है, रन अभी भी चाहिए 16, पिछले मैच में देखिए 6 गेंदों में 19 चाहिए थे। फिलहाल सचिन जी धुमाल, दरम्यान जे कहा सचिन जी धुमाल यांचं देखील या ठिकाणी नुकतंच आगमन झालंय, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल। 6 गेंदों में रन चाहिए 16, एक तरफ है गेंदबाजी मार पे टीम पेल्ले की जान अज्जू बेपारी और बारामती टेनिस क्रिकेट की धड़कन चेतन कालेंगे। वैसे तो एक तरफ धड़कन हमेशा धक 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 करती है ना, 6 पे 16 क्या बनेगा, नाखून चबाने वाला मुकाबला है, पिन ड्रॉप साइलेंस मैदान में, 6 गेंदे 16 रन। कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि यह मुकाबला कौन जीतेगा, पता तो नहीं, ये क्रिकेट है इसका तो कहीं गड़ सकता। 6 गेंदे शेष है, एक तरफ अज्जू बेपारी बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में और दूसरी तरफ बारामती को अलग लहजे पे ले जाने वाले कैप्टन कुल, 6 गेंदे 16 और पहला ही गेंद और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, काउ कॉर्नर रीजन में सिंगल यहां पर आता हुआ, 16 की जरूरत है और पहले गेंद में आ गया सिंगल, इसका मतलब है 5 गेंदे रहेगी शेष, 15 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। क्या धड़कन यहां पर, डगआउट मारेगांव का डगआउट पिछले समय तक थोड़ा सा हरा भरा नजर आ रहा था, अब 5 पे आए हैं 15 तो मारेगांव की शोल्डर डाउन होने लगे हैं, पेविलियन थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा है, लेकिन एक चौका लगेगा फिर से एक बार वही जुनूस देखने मिलेगा। 5 गेंदे 15 रन, 5 चेंडू 15 धावा, 5 बॉल टू गो, 15 रन टू विन, 2 आइकॉन मैदान में। एक और बात, बहुत बल्ला ऊपर गेंद नीचे, अब खतरा है खतरा है खतरा, क्या करूं मैं, और कहेंगे जनाब विकेट का पतन है। अब 4 गेंदे 15 चाहिए, हर गेंद पे चौका चाहिए यहां से, क्या कहानी, ये मैदान की कहानी अब तक कोई सुलझ नहीं सुलझा नहीं पाया है, इस मैदान में अब तक चेस हुआ नहीं है। अगर देखिए पहले दिन ये बेल्ले की टीम है, ये चेस करते तम समय नहीं जीती, फील्ड पहले बल्लेबाजी की थी तो चेस करना हुआ नहीं है। लोनी भाप का टीम दूसरी दिन टीम मेडत क्रिकेट को रोका तांदरवाड़ी ने शाम के समय में, तीसरा दिन बात करेंगे तो बिड़किन को रोका मालेगांव कारखाने ने औरंगाबाद की टीम को, चौथे दिन देखेंगे तो सिरसू पर बिल्कुल देखिए उन्होंने रोका, तो 4 दिन की कहानी वही है। पिसर हुए अब शायद प्रेशर में, 4 गेंदे 15 चाहिए, अच्छू बेपारे बनाम कैप्टन कोल, एक और मतबा स्लॉट में गेंद है और डिपॉजिट की स्टैंड में 6 रन, डीजे
डीजे फिलहाल देखिए मुकाबला फिर से एक बार बदल रहा है कैप्टन कुल। एक और मरतबा ये पेस्ट कॉपी है, बहुत ही लंबा छक्का कैप्टन कुल। मैं क्यों है हूं? शुक्रिया डीजे। आता राघू पिंजऱ्यात नाही आला, माळेगाव कारखान्याच्या मुठीत जीव आलाय, कारण माळेगाव कारखाना सामन्यामध्ये अजून परतलेला दिसतोय। 6 चेंडू 16 धावा असताना पहिल्या चेंडू सिंगल आली, दुसऱ्या चेंडू धावबाद झाला। कॅप्टन म्हणतोय मी पुन्हा येईन, कारण कॅप्टन कूल आहेत। जोपर्यंत चेतन कालंगे फलंदाजीला आहे तोपर्यंत काहीही घडू शकतं, फक्त घडवणारा पाहिजे। दो गेंदे शेष आहे, माळेगाव संघ विजय झाल्यानंतर आपण एकही प्लेयर आज जायचं नाहीये। दो गेंदे अभिविशेष आहे, मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 3। और फिलहाल अगर देखेंगे अच्छू व्यापारी, आपने दो गेंदे बेहतर डाले, उसके बाद में ये कैप्टन है, ये बहुत शांत दिमाग से साथ में खेलता है, लेकिन अभी भी मुकाबला बदल सकता है। 2 गेंदे 3 रन ये कंपल्सरी चेज है, इसकी वजह से ये क्या कुछ हो सकता है। अब दूसरा रन लेना चाहेंगे यहां पर और शायद देखेंगे, और यहां पर क्लोज ये भी कॉल है। क्या यहां पर हो सकता है, 2 पे चाहिए थे 3, लेकिन 2 पे 3 की जरूरत थी। अब शायद क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैच ये नाखून चबाने वाला है, पैसा वसूल मुकाबला है।